नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अयोध्या यात्रा से संबंधित पूरी बातें कि आप अयोध्या कब जाएं और कैसे जाएं, कहां रुकें और कहां घूमें तथा कुल खर्चों के बारे में। ये सभी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अयोध्या की, जिन्हें भगवान विष्णु के सातवें अवतार के रूप में पूजा जाता है। और अयोध्या श्री राम यानी राजा राम का जन्म स्थान है। और श्री राम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के पवित्र तीर्थ स्थल पर पुनः नए रूप में बनाया जा रहा है। और भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या दुनिया के पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। और यह नगर सरयू नदी के किनारे स्थित है, जो हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लोगों के लिए अयोध्या सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन अयोध्या हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र शहरों में से एक है। और ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के 5 तीर्थकारों का जन्म अयोध्या में हुआ था, जिनमें पहले तीर्थकर ऋषभ का जन्म भी यहीं हुआ था। और पवित्र नगरी अयोध्या का नाम सुनते ही हर मानव के मन में एक सवाल जरूर आता है, काश त्रेता युग में हमारा भी जन्म भगवान राम के सैनिक के रूप में हुआ होता तो प्रभु के चरणों की धूल मिल जाती। और अयोध्या वो जगह है जहाँ से भारत देश ने दुनिया को धर्म और कर्तव्य का पालन करने का संदेश दिया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप अयोध्या कब जाएं। वैसे तो अयोध्या आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च होता है, क्योंकि इसी समय सबसे ज़्यादा लोग अयोध्या पर्यटन स्थल को देखने पहुँचते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप अयोध्या कैसे पहुँचें। तो दोस्तों, यहाँ आप बस, ट्रेन और फ्लाइट के जरिए आसानी से पहुँच सकते हैं। तो यदि आप अयोध्या फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट आना होगा, जहाँ से आप टैक्सी बस द्वारा अयोध्या पहुँच सकते हैं। और यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो देश के सभी राज्यों और महानगरों से ट्रेनें चलाई जाती हैं अयोध्या के लिए, जिनके जरिए आप अयोध्या रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। और यदि आप यहां नहीं आना चाहते तो आप अयोध्या कैंट पर रुक सकते हैं, जो अयोध्या से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। और यहां से आप टैक्सी ऑटो द्वारा अयोध्या पहुंच सकते हैं। और हाँ, यदि आप बस से जा रहे हैं तो देश के किसी भी कोने से आप बस के जरिए अयोध्या आ सकते हैं। और अयोध्या के निकटतम शहरों में लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज से नियमित बसें चलाई जाती हैं अयोध्या के लिए, जिनके जरिए आप अयोध्या पहुँच सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप अयोध्या में कहाँ रुकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ आपको अत्याधुनिक सुविधाओं वाले होटल तो नहीं है, परंतु बचत होटल और कई धर्मशालाएं हैं जहां आप रुक सकते हैं। और यदि आप यहां नहीं रुकना चाहते तो आप लखनऊ और फैजाबाद में समस्त सुविधाओं वाले होटल बुक कर सकते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत सुझाव यह है कि आप धर्मशाला में रुकें, क्योंकि अयोध्या की संस्कृति से परिचित हो जाएं, इसलिए आप धर्मशाला में ही रुकें। और हाँ, यदि आप किसी भी जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अच्छी अच्छी साइट का लिंक दिया हूँ, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में होटल, बस, प्लेन और ट्रेन तथा टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप अयोध्या में कहाँ घूमने जाएं। तो यहाँ आप दशरथ महल घूमने जा सकते हैं, जो अयोध्या शहर के बीचों बीच बसा है। और इस महल के अंदर एक मंदिर भी है जहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियाँ स्थापित हैं। और यहाँ हर समय रामायण के पाठ और गीत संगीत होते रहते हैं। और दशरथ महल को बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ घूमने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और यदि आप अयोध्या जाएं तो इस जगह को जरूर विजिट करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं त्रेता के ठाकुर की, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर प्रभु श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। और यदि आप अयोध्या के लिए जा रहे हैं तो इस जगह जाना ना भूलें। और इस मंदिर के अंदर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और महावीर, हनुमान तथा भरत और शत्रुघ्न की प्राचीन मूर्तियां रखी गई हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप अयोध्या जा रहे हैं तो यहाँ घूमना ना भूलें। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से जगह हैं अयोध्या में जहाँ आप दर्शन करने के साथ साथ घूमने का मजा ले सकते हैं, जैसे कि हनुमानगढ़ी, श्री राम जन्मभूमि, कनक भवन आदि जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुल खर्चों की। तो दोस्तों, ये सभी खर्चे आपके ही ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप क्या क्या खरीदेंगे और कहां कहां घूमेंगे, तो ये सभी खर्चे आपके ही ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को इसी पर विराम देते हैं। और
यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं धार्मिक टूरिस्ट प्लेस की जानकारियाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।